हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, एक मोटिवेशनल वीडियो है जो मैं आपको डेफिनेटली बताने वाला हूं। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था, मेरा जो पहला ऑब्जेक्टिव था जब मैंने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था, मैं बात कर रहा हूँ ईशान उदय स्कॉलरशिप की, ठीक है। ईशान उदय स्कॉलरशिप में मेरा अप्लाई करने का जो पहला मोटिव था, जो मेरा फर्स्ट मोटिव था, वो यही था कि मैं यहाँ से अच्छे पैसे कमा सकता हूँ और डेफिनेटली इस पैसे से मैं एक बाइक खरीद सकता हूँ। क्योंकि देखिए, ज़्यादातर लोगों का सपना होता है कोई ना कोई, किसी को बाइक लेना होता है, किसी को कार लेना होता है, या किसी को हायर स्टडीज़ करना होता है, जो भी जिसके अपने अपने रीजंस होते हैं, ठीक है। तो मैंने बाइक के लिए डिमांड किया था जब मैं 18 साल का था, कम उम्र का था, फर्स्ट सेमेस्टर में। तो मुझे जो है फैमिली से सपोर्ट नहीं मिला, पैसों का भी नहीं मिला। मैंने चाहा था कि मैं डाउन पेमेंट पे पैसे देकर ले लूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने उसके बाद खुद से ही वो छोड़ दिया, क्योंकि मैं पैसे कहाँ से लाता। 5,000-4,000 रुपया अगर मुझे डाउन पेमेंट लेना है तो कहाँ से लूँगा, और मैं तब ग्रेजुएट भी नहीं था, तो बेसिकली मेरे पास कोई मतलब जॉब नहीं थी, तो मैं कहाँ से इतने पैसे लाता। तो बेसिकली मैंने उस ड्रीम को छोड़ दिया कि चलो कोई नहीं, बाइक अभी नहीं लेते। लेकिन इस स्कॉलरशिप ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया। अब मैंने बाइक ले लिया है रिसेंटली, 2 दिन पहले ही मैंने बाइक लिया। बाइक का भी वीडियो जल्दी मैं वीडियो में डाल दूंगा आप लोगों को। अभी बस 2-3 दिन ही हुआ है, तो मैं थोड़ा सा चलाने में मेरे को दिक्कत हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे वो प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा। तो अभी बाइक लिया है मैंने पैशन एक्सटेक लिया है जो रिसेंटली निकला है। इसका जो करंट प्राइस है सिलचर में, ऑन रोड प्राइस जो है इसका वो अप्रॉक्सीमेटली 94,000 है, 94 से 95,000 के बीच में आता है। तो आपको 1.5 लाख रुपया मिलता है 3 साल में, जैसे कि हर ईयरली आपको जो पे आउट मिलता है, मैं आपको बता दूं, वो 54,000 54,000 54,000 3 साल आपको मिलेगा अपने पूरे ग्रेजुएशन के दौरान। फिर चाहे बीए कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो, मतलब कुछ भी जो भी आप डिग्री कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंगली आपको पेमेंट हर साल मिलता रहता है। और ये महीने में नहीं मिलता, बहुत लोगों को लगता है कि एवरी मंथ 5,000 रुपये मिलता है, ऐसा नहीं होता है, पूरे साल में एक बार ही आपको मिलेगा। अब ये कब मिलेगा ये इसका कोई गारंटी नहीं होता, ठीक है। जब मैं आपको बताऊँ, जब मैं पहली बार मुझे जो जब स्कॉलरशिप मिला था 2020 में, पहली बार जब मिला था, तो मुझे मिला था September 1st में, यानी कि उस दिन टीचर्स डे था, और टीचर्स डे के दिन ही हमारा पैसा, मतलब मेरा पैसा जो है अपने SBI मेरा, जैसे कि मैंने आपको पहले भी रिकमेंड किया है कि आपको प्राइवेट बैंक अकाउंट्स नहीं खोलने हैं, आपको कैनरा बैंक में जाके अकाउंट खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। लोग फालतू में ये सब चीज़ें परेशान होते हैं, आपको सिंपली इंडिया का सबसे बड़ा PSU जो मैं आपको कहता हूँ कि बाकी जो बैंक में आप कर रहे हो सकता है वो कल ना रहे या मर्ज हो जाए, तो मर्ज होने से IFFC कोड बदल जाएगा, उसके वजह से मेरा एक दोस्त जो है उसको पैसे नहीं मिले। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको सीधा SBI में जाना है और आपका एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपनिंग कर देना है। अब तो कुछ भी नहीं लगता, अब तो घर में बैठ के KYC से आप जो है वीडियो कॉलिंग के थ्रू अकाउंट खोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो आपने ये अकाउंट खोल लिया, उसमें मुझे पहली बार जो पेमेंट मिला था 5 सितंबर में मिला था। दूसरा जो पेमेंट है वो मैं यहाँ पे मैसेज डाल दूंगा, मैसेज आप देख लीजिए, मेरे को एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, 21 तारीख को आई थिंक मिला था, 21 नवंबर दूसरा जो पेमेंट मिला था वो लगभग नवंबर के आसपास मिला था, ठीक है। और इस बार जो थर्ड मेरा जो लास्ट एंड फाइनल पेमेंट था वो भी मुझे सेप्टेम्बर में मिला। तो आप देख सकते हो कि इसका कोई गारंटी नहीं है, कभी सेप्टेम्बर में मिलता है, कभी नवंबर में मिलता है, कभी अक्टूबर में मिलता है, तो इसका कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको दूसरा क्वालिफिकेशन, एक जो प्रॉब्लम है लोगों का, स्टूडेंट्स का, वो मैं क्लियर करता हूँ। बहुत लोग बोलते हैं कि सर हमारा मैसेज नहीं आ रहा, ठीक है, मेरा इंस्टीट्यूट लेवल पे वेरीफाई का मैसेज नहीं आ रहा, मेरा मिनिस्ट्री लेवल पे जो वेरीफिकेशन होता है उसका मैसेज नहीं आ रहा। देखिए, ऐसा प्रोसेस होता है कि आपका मान लीजिए एक दिन में आपका मतलब मैसेज नहीं आएगा, आज आपने मत लीजिए आप अपने अपना जो फाइनल ड्राफ्ट है उसको अपने कॉलेज में जमा कर दिया, ठीक है, अब ये तुरंत आपका मैसेज नहीं आएगा। आपके साथ जितने भी लोग जो लास्ट डेट दिया हुआ है, अभी मुझे उतना नहीं पता कि कितना डेट दिया हुआ है, ठीक है, नॉर्मली जो डेट होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 30th अक्टूबर होता है, इस साल भी शायद इतना ही है। मैं तो कॉलेज से निकल चुका हूँ तो मुझे कोई आइडिया नहीं है अभी, ठीक है, आप अपना देख लीजिएगा, वो आपको जिम्मेदारी है, वो आपको समझना है कि लास्ट डेट कौन सा है। तो लास्ट डेट तक जितने लोग भी अप्लाई करेंगे उनका सारा एक साथ जमा कर दिया जाएगा कॉलेज में, उसके बाद 30 तारीख के लास्ट डेट खत्म होने के बाद एक एक करके उनका जो है इंस्टीट्यूट लेवल पे वेरिफिकेशन स्टार्ट होगा। इंस्टीट्यूट लेवल पे वेरिफिकेशन जो होता है वो आपके जो कॉलेज के जो स्कॉलरशिप सेक्शन में जो ऑफिसर बैठते हैं, सर बैठते हैं, वो आपका करते हैं, सारे के सारे एक एक करके वो वेरीफाई करेंगे, और एक एक करके सारे स्टूडेंट्स के मोबाइल पे मैसेज आने लगेगा। और हो सकता है आपको 20 दिन बाद है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है उनको हो सकता है 100, 200, 300, 400, 500 लोग स्टूडेंट्स का उनको वेरीफिकेशन करना पड़ रहा है, तो एक दिन में तो ऐसा नहीं होता, एक दिन में मान लीजिए 25 स्टूडेंट्स का कर रहे हैं तो 10 दिन में 250, और आपका नंबर हो सकता है 500 नंबर पे आए, तो बेसिकली आपको 15-20 दिन बाद भी मैसेज आ सकता है, ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है, आपको मैसेज आ जाएगा। और जैसे आपका इंस्टीट्यूट लेवल पे वेरीफाई हो जाएगा, उससे लेकर 2 से 3 महीने के बीच में आपको कभी भी मैसेज आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका मैसेज आ जाएगा कि मिनिस्ट्री लेवल पे भी आपका वेरीफाई हो गया है। अगर आपका मिनिस्ट्री लेवल पे वेरीफाई नहीं हुआ, रिजेक्ट हो गया, तो आपको कोई भी पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। अब वो क्यों रिजेक्ट होता है उसके बारे में भी मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा, इस वीडियो में बस इतना ही क्लियर करने वाला था कि मैसेज
मैसेज क्यों नहीं आता है? मैसेज आपका आ जाएगा, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, आराम से आप बैठे रहिए। आपका एप्लीकेशन अगर सही है, आपने सारे डॉक्यूमेंट्स, जैसे मैंने आपको कहा था डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको निकालना होता है, आपको एफिडेविट निकालना होता है, इनकम सर्टिफिकेट निकालना होता है, बोनीफाइड जो स्टूडेंट सर्टिफिकेट होता है वो आपको सही तरीके से फिल करना होता है, सील एंड सिग्नेचर ऑफ द प्रिंसिपल जो है कॉलेज का जो सील होता है वो आपको सही जगह लेना है, उसके बाद जो है UGC डिक्लेरेशन फॉर्म जैसे मैंने आपको बताया था उसमें सारे आपको साइन सिग्नेचर जो भी डिटेल्स होती है सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से फिल करनी है। तो ये सारी चीज़ें जब आप ले लेते हैं प्रॉपर तरीके से तो उसके बाद कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको पैसे मिल जाएंगे 54,000। और आप भी मेरी तरह जो है ड्यूक अगर आप चाहते हो तो KTM आप ले सकते हो, ड्यूक ले सकते हो। मैंने उतनी महंगी बाइक नहीं ली क्योंकि मैं बाकी जो पैसा है वो मैं स्टॉक मार्केट में लगा रहा हूँ, ठीक है। मुझे ऐसा मानना है कि एज ए कॉमर्स स्टूडेंट्स आपको काफ़ी ज़्यादा रिलेट होता है, मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग भी अपना जो डीमैट अकाउंट है वो खोल लीजिए और धीरे धीरे जो है आपका जो स्कॉलरशिप का पैसा आता है उसको आप अच्छे क्वालिटी स्टॉक में निवेश कीजिए, लाइक इन्फोसिस, विप्रो, TCS, बड़ी बड़ी जो दिग्गज कंपनीज है उनके आपके अगर आपने आज 5 शेयर्स भी ले लिए तो आने वाले 10-15 साल बाद वो आपको करोड़ों में वैल्यू देंगे, ठीक है। तो ये मेरा स्ट्रेटेजी है, मैं बस आपको एक ग्लिम्स दे रहा था, ठीक है। तो आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाए ताकि ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।